शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज हम वसंत पुस्तक का तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां। इस पाठ को नागार्जुन जी ने लिखा है। इस पाठ में उन्होंने नदियों के बारे में लिखा है, खास तौर से उन नदियों का जिक्र किया है जो हिमालय से निकलती है। यहाँ उन्होंने नदियों की विशेषता के बारे में भी जिक्र किया है। तो समय की देरी न करते हुए हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। यह लेखक यह कहना चाहता है कि अभी तक वह नदियों को बहुत दूर से देखा था, अर्थात केवल समतल जमीन पर ही देखा था। वहाँ वे बहुत ही गंभीर नजर आती, बहुत ही शांत नजर आती, ऐसा लगता कि वे अपने आप में ही खोई हुई है। समतल जमीन पर नदियाँ बिल्कुल संभ्रांत महिला की तरह नजर आती है। संभ्रांत का अर्थ होता है मान सम्मान या प्रतिष्ठित, जिसको देखकर लेखक को नदियों के प्रति बहुत ही अपार श्रद्धा भाव जाग जाता है। लेखक ये भी कह रहा है कि जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपनी माँ, अपनी दादी, मौसी और मामी की गोद में खेलता रहता है, ठीक वैसे ही मैं भी इन नदियों की गोद में या उनकी धारा में मैं डुबकियां लगा चुका हूँ। अगला विच्छेद, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थे। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इतना यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। यहाँ लेखक यह कहना चाहता है कि जब लेखक हिमालय पर चढ़ा तो इन्हीं नदियों को किसी और रूप में वह देख रहा है, और देखकर वह हैरान हो जाता है कि यही दुबली पतली दिखने वाली नदियाँ समतल जमीन पर यानी मैदानों में उतरकर कितनी विशाल हो जाती है। वह यह भी देख रहा है कि यह नदियाँ मैदानों में जाकर इतनी गंभीर हो जाती है, और वही पहाड़ों पर जब होती है तो यह एकदम छोटे से बच्चे की तरह उछल कूद करती रहती है और हंसती रहती है, ऐसा प्रतीत होता है। इनका जो उल्लास है, जो खुशी है, यह मैदानों में जाकर कहाँ गायब हो जाता है। लेखक ये भी कह रहा है कि वह किसी लड़की को देखता है या जब किसी खूबसूरत फूल को देखता है तो भी इतना कौतूहल यानी परेशान या विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों को अर्थात नदियों को पहाड़ों पर से गिरते हुए देखकर उसको खुशी हो रही है। साधारण शब्दों में लेखक यही कहना चाहता है कि जब नदी पहाड़ से गिरती है तो बहुत चंचल नजर आती है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह, और ये सब देखकर लेखक बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि वो चंचलता मैदानों में आकर गायब हो जाती है। अर्थात बड़े होकर जैसे बच्चे एकदम गंभीर हो जाते हैं, वैसे ही नदी मैदान में आकर एकदम शांत हो जाती है। अगला अनुच्छेद, कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सके। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदूर अधिकाय, सरसब्ज उपत्यकाए, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैद के जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। इस अनुच्छेद में लेखक नदियों की नटखटता का जिक्र किया है।
इस प्रकार एक छोटा बच्चा नटखट होता है। बच्चे जब छोटे होते हैं बहुत शैतानियां करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, माता पिता भी उनसे परेशान हो जाते हैं। ठीक वैसे ही इन नदियों के बारे में उन्होंने कहा है। नागार्जुन कहते हैं कि ये नदियाँ कहाँ भागी जा रही हैं, उनका लक्ष्य कौन है? अगर अपने महान पिता अर्थात हिमालय का प्रेम पाकर भी उनका हृदय अतृप्त है अर्थात प्यास नहीं बुझी है, तो वो कौन होगा जो इनकी प्यास को बुझा सकेगा? वो ये भी कहते हैं कि यह नदियाँ खेलते खेलते जली नंगी पहाड़ियों से गुजरती है और फिर भरी घाटियों, फिर बंदुर अधिकतकाय, अधिकतकाय का अर्थ होता है पहाड़ के ऊपर का समतल का जमीन, सरसब्ज उपत्यकाय, उपत्यकाय का अर्थ होता है पहाड़ के नीचे का जमीन, ऐसी जगह पर वो खेलते खेलते पहुंच जाती है। फिर उसके बाद ये खेलते खेलते जरा दूर निकल जाती है, तब इनको देवदार, चील, सरो, चिनार, सफेदा और कैल के जंगलों में लेखक पहुंचते हुए देख रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक छोटा बच्चा घर से बाहर निकलता है और यहाँ वह भटकते रहता है, खेलते रहता है, उसे कुछ पता ही नहीं होता कि वह घर के आसपास है या घर से दूर आ रहा है। ठीक वैसे ही इन नदियों के बारे में लेखक ने कहा है। लेखक ये भी कह रहा है जिस प्रकार एक नटखट बच्चे से उसका पिता परेशान रहता है, ठीक वैसे ही इन नदियों से भी बूढ़ा हिमालय भी परेशान रहता है। अगला अनुच्छेद, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय है। यहाँ लेखक दो बड़ी नदियों जो आमतौर पर नद का नाम से जाने जाते हैं उनका जिक्र कर रहे हैं और कहते हैं कि सिंध और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं, नदियों के नाम हैं जिनका नाम सुनते ही हमारे सामने रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक सभी नदियों के नाम हमारे सामने आने लगते हैं। लेखक ये भी कह रहा है कि वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र कुछ भी नहीं है, ये तो हिमालय के मन में, दिल में सदियों से एक एक बूंद जमा हो रही थी जो वहां से बहकर दो नद के रूप में प्रभावित हो गई यानी बहने लगी। वो ये भी कह रहे हैं कि वह समुद्र कितना सौभाग्यशाली होगा जिनको हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का सौभाग्य प्राप्त मिला होगा या सौभाग्य प्राप्त होगा, ये भी कह सकते हैं। यहाँ लेखक यह कहना चाहता है कि अगर नदियाँ हिमालय की बेटियाँ हैं तो समुद्र हिमालय का दामाद, कहने का अर्थ यही है कि नदियाँ हिमालय से निकलकर समुद्र में जाकर मिल जाती है, क्योंकि हर एक नदी का लक्ष्य समुद्र में जाकर मिलना ही होता है।